हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन एंड डियर मैनेजमेंट। ये अपना टॉपिक है N2311 का। क्रॉप पेस्ट के अंदर अंदर अपने ये पढ़ना है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन। तो आपको मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ कि शुगर केन के अंदर कौन कौन से अपने को पेस्ट पढ़ने हैं। देखो, जैसे अपने कॉटन में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जो कॉटन के पेस्ट पड़े थे उसके अंदर भी अपने आपको ऑर्डर के अंदर डिवाइड करके बताया गया था कि किस ऑर्डर के आपको पेस्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से पेस्ट हैं, वो किस किस ऑर्डर के अंदर आते हैं और कैसे कैसे वो अटैक करते हैं। उसकी थोड़ी मैंने ब्रीफ हिस्ट्री बनाई है कि शुगर केन जो पेस्ट है, शुगर केन पेस्ट के अंदर दो ऑर्डर हैं मेन, एक लेपिडोप्टेरा और एक है हेमिप्टेरा। लेपिडोप्टेरा के पेस्ट जो अटैक करते हैं उनकी अपने को डिटेल देखनी है और दूसरी देखनी है हेमिप्टेरा के। देखो, इसके अंदर इसके अलावा भी बहुत सारे पेस्ट हैं जो इसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट जो हैं अपने को जो पढ़ने हैं वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के और हेमिप्टेरा ऑर्डर के पेस्ट हैं। जो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रखा है जिसके ऊपर आपने शुगर केन पेस्ट लेपिडोप्टेरा हेमिप्टेरा के अंदर देखा है आपने, तो देखो आपको पता है कि आप पढ़ते आ रहे हो, आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम के अंदर टैक्सोनॉमी भी पढ़ी है कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के सिम्टम या मेन मेन जो करेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं और हेमिप्टेरा के करेक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ आप देखो कि जितने भी आप लेपिडोप्टेरा के अंदर इंसेक्ट लिखोगे तो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, और उधर ऑर्डर हेमिप्टेरा के अंदर आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, जिससे आपको उस इंसेक्ट की डिटेल पढ़ने में आसानी होगी। तो अपने इधर करते हैं लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा के अंदर फर्स्ट है शुगर केन का टॉप बोरर है, सेकेंड शुगर केन का शूट बोरर है, गुरदासपुर बोरर है, शुगर केन रूट बोरर है। तो आपको लेपिडोप्टेरा के चार इंसेक्ट पढ़ने हैं जो हार्मफुल हैं गन्ने की फसल के लिए, शुगर केन के लिए। सेकंड आप इधर देखिए, हेमिप्टेरा के अंदर जो लिखा गया है, फर्स्ट है शुगर केन का वाइट फ्लाई, सफेद मक्खी है शुगर केन की। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि सबकी जो वाइट फ्लाई है वो सेम नहीं रहेगी। कहीं आपको कि हमने ऑलरेडी कपास के अंदर पढ़ लिया है कि कॉटन की आपने वाइट फ्लाई पढ़ी है पबीसिया तबा की, तो वो शुगर केन की वाइट फ्लाई यहाँ पे अलग रहेगी। मिलीबग है, शुगर केन का वुली एफिड है और शुगर केन का लीफ हॉपर है। तो टोटल अपने को यहाँ पे 8 इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है और इनकी अपने को एक एक करके डिटेल देखनी है। ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि कौन कौन से पेस्ट हैं जो शुगर केन की क्रॉप के ऊपर आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको एक मैं टेबल प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के अंदर। तो उस टेबल के अंदर आपको देखना है कि टोटल जो नंबर ऑफ इंसेक्ट होंगे वो 8 से ज़्यादा हैं, तो लगभग 15 इंसेक्ट रह जाएंगे, 15 इंसेक्ट उसमें रहेंगे। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स की कॉल आती है कि सर जो आपने यहाँ पे मेन बताए वो 8 हैं, लेकिन आप उसके अंदर देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर उनके ऑर्डर, फैमिली, साइंटिफिक नेम पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम आपको वो एक फ्लो चार्ट जो है या प्रॉपर एक टेबल प्रोवाइड करा देते हैं कि शुगर केन के पेस्ट कौन कौन से हैं, और मेन यहाँ पे मैंने आपको बता दिए कि 8 हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि अदर पेस्ट, तो अदर पेस्ट के अंदर टर्माइट है, वाइट ग्रब है, ग्रास ऊपर है। अदर पेस्ट के अंदर वो इंसेक्ट आ जाते हैं जो कि पॉलीफेगस हैं, जो सभी प्रकार के इंसेक्ट के सॉरी सभी प्रकार की क्रॉप के ऊपर अटैक करते हैं। जो ऑलरेडी आपने स्टार्टिंग में मेन टॉपिक था पॉलीफेगस पेस्ट का, उसके अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टर्माइट हो गया, वाइट ग्रब हो गया, ग्रास ऊपर हो गया। तो ये टर्माइट, वाइट ग्रब, ग्रास ऊपर हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, पॉलीफेगस हैं। तो इसको मैंने अदर पेस्ट के अंदर मेंशन कर दिया है कि अदर पेस्ट ये 3 हैं। तो 8 और 3 टोटल हो गए 11 इंसेक्ट। तो 11 के बाद अब अपने को मेन मेन नाम पता लग गया कि कौन कौन से पेस्ट हैं, तो इनकी अपने डिटेल देखेंगे। फिर से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन का दो मेन ऑर्डर के पेस्ट हैं जो अटैक करते हैं, लेपिडोप्टेरा के और हेमिप्टेरा के। अब लेपिडोप्टेरा के अंदर भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो आपकी जो लेपिडोप्टेरा के पेस्ट होते हैं उनके जो माउथ पार्ट होते हैं बाइटिंग एंड च्यूमिंग टाइप होंगे, काटने और चुबाने वाले सॉरी काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट होंगे लेपिडोप्टेरा के अंदर। तो इन जो आपने ये चार लिखे हैं, इन चारों के जो माउथ पार्ट होंगे, मुखांग होंगे, वो काटने और चबाने वाले होंगे। और इधर हेमिप्टेरा के अंदर जो आपने लिखे हैं, टोटल 4 पेस्ट लिखे हैं, जो इनके जो माउथ पार्ट होंगे वो क्या होंगे, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होंगे, चुबाने और
चूसने वाले मुखांग होंगे, तो ये आप पढ़ोगे इन चार के अंदर। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ भी आप लिख सकते हो कि जब भी आप नोट्स बनाओगे तो लेपिडोप्टेरा के अंदर बाइटिंग च्यूइंग टाइप, उधर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप हेमिप्टेरा के अंदर। तो दो मेजर पेस्ट हैं अलग अलग दो ऑर्डर के, लेपिडोप्टेरा कि लेपिडोप्टेरा के जो पेस्ट हैं उनकी डिटेल देखते हैं अपने। तो फर्स्ट चलते हैं लेपिडोप्टेरा के फर्स्ट इंसेक्ट की तरफ जो अपने को पढ़ना है। शुगर केन पेस्ट अपने पढ़ रहे हैं। देखिए शुगर केन पेस्ट के अंदर जो अपने को फर्स्ट देखना है वो है शुगर केन की व्हाइट फ्लाई। शुगर केन व्हाइट फ्लाई, हिंदी में इसको गन्ने की श्वेत मक्खी बोलते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी ध्यान देख लेना भाई, गन्ने की श्वेत मक्खी होगी। अब इसके अंदर जो ऑलरेडी आप देखो पॉलीफेगस पेस्ट पढ़ चुके हो, स्टोरग्रीन पेस्ट पढ़ चुके हो, इसके अंदर जो जो मेन मेन टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो फर्स्ट इसके अंदर आएगा। ए नंबर अगर मैं हेडिंग की बात करता हूँ तो फर्स्ट आएगा जी कॉमन नेम, तो आपने पिछली वीडियो में भी देखे होंगे कि सामान्य नाम क्या है, तो इसको लही या सफेद माशी बोलते हैं, लही भी बोलते हैं और सफेद माशी बोला जाता है। तो ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब सेकंड जो हेडिंग की बात आएगी आता है जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर जो जो चीजें आपको लिखनी है, सबसे पहले फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा रहेगा। तो फाइलम के बाद अपने को लिखनी है क्लास, तो क्लास रहेगी इसकी इंसेक्टा। क्लास के बाद अपने को लिखना है ऑर्डर। ऑर्डर आप ऑलरेडी देख चुके हो कि व्हाइट फ्लाई का ऑर्डर क्या है, अपने ऊपर वाले चार्ट में देखना, तो वो है हेमिप्टेरा। उसके बाद अपने बात करेंगे फैमिली की, तो फैमिली है इसके अंदर एल्यूरोडिडी। यहाँ पे फैमिली होगी एल्यूरियोडिडी। इसके बाद जो इसका साइंटिफिक नेम के मेन चीजें आती हैं जीनस और एक है स्पीसीज। तो जीनस इसका रहता है एल्यूरोलोबस, और स्पीसीज रहती है बैरोडेनिस। अब मेन आपको जो बात याद रखनी है कि जीनस और स्पीसीज दोनों ही हमें अंडरलाइन करने हैं, एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस ये अपने को अंडरलाइन करने हैं। तो ये गन्ने की जो श्वेत मक्खी है, शुगर केन की वाइट फ्लाई का आपको क्लासिफिकेशन मिल गया है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि शुगर केन की जो वाइट फ्लाई है उसका ऑर्डर मेंशन करना है, या ऑर्डर कौन सा है, फैमिली कौन सी है, साइंटिफिक नेम है, तो वो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें से मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं वो है इसका होस्ट प्लांट। तो होस्ट प्लांट के अंदर आप देखे हो कि होस्ट प्लांट क्या है इसका मेन, आप किसका पढ़ रहे हो, शुगर केन का पढ़ रहे हो, तो गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये इनके ऊपर अटैक करती है शुगर केन की जो व्हाइट फ्लाई है, मतलब एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस जो है उसके होस्ट प्लांट गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता कि इंडिया के अंदर आप लिख सकते हो, कई स्टेट के आपको नाम लिखने हैं जहाँ पर गन्ने की फसल उगाई जाती है, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, बंगाल, बिहार, इसके अंदर आप
इनके नाम लिख सकते हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं मेंशन नहीं करता। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डैमेज एंड सिम्टम। डैमेज एंड सिम्टम्स आ गए। अब देखो इसके अंदर ऑलरेडी देखो सेम टोटल सिलेबस के अंदर जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि टोटल सिलेबस के अंदर जो पॉइंट आपको डिटेल में पढ़ने हैं किसी भी इंसेक्ट की आपको डिटेल पढ़नी है, तो वो चीज़ें जो मेन मेन टॉपिक हैं वो सबके सेम रहेंगे। कॉमन नेम, क्लासिफिकेशन, होस्ट प्लांट, डैमेज सिम्टम। और डैमेज सिम्टम के अंदर आपको क्या लिखना है ये भी ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि डैमेज सिम्टम के अंदर पहली बात आप लिखोगे कि जो भी इंसेक्ट पेस्ट है वो नुकसान कैसे करता है, उसके माउथ पार्ट कैसे हैं, वो सकिंग टाइप का पेस्ट है, वो बाइटिंग च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट रख के नुकसान करता है कि पत्तियां खाता है या कोई स्टैम खाएगा या रस चूसेगा, जो भी है वो आपको डैमेज एंड सिम्टम के अंदर लिखना है। तो इसके अंदर देखो कि हेमीपटेरा का जैसे ऑर्डर आपने यहाँ पे हेमीपटेरा मेंशन किया है, तो हेमीपटेरा के अंदर आपको पता है कि कैसे माउथ पार्ट होते हैं, तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप है कि चुभाने और चूसने वाले मुखांग होते हैं। चुभाने और चूसने वाले मुखांग होंगे तो क्या करेगा, वो सेल सैप है या प्लांट का जो सैप है वो सक करेगा और उसके ऊपर बाद में फंगस वगैरह का अटैक होगा। ये चीज़ें अपने कॉमन सिम्टम के आपके अंदर देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर मेन डैमेज और सिम्टम की जब बात आएगी तो फर्स्ट आप पॉइंट लिखोगे कि इसकी कौन कौन सी स्टेजेस जो है वो नुकसान करती हैं। तो एक तो रहेगा निम्फ और एक रहेगा एडल्ट। निम्फ और एडल्ट जो है वो इसके नुकसान करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करता है। हेमीपटेरा ऑर्डर जो होता है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करता है जिसके अंदर एग, निम्फ, प्यूपा और एडल्ट आते हैं। उसके अंदर दो स्टेजेस निम्फ और एडल्ट जो होती हैं वो हार्मफुल होते हैं। सेकेंड जो आप लिखोगे इसके अंदर कि चुभाने और चूसने वाले मुखांग पाए जाएंगे, पियर्सिंग और सकिंग टाइप प्रकार के जो माउथ पार्ट होते हैं वो पाए जाते हैं जिससे कि जो फसल को ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, पत्तियों का रस चूसेंगे कि निम्फ और एडल्ट जो होते हैं वो अपने माउथ पार्ट चुभाने और चूसने वाले मुखांगों की सहायता से पत्तियों का रस चूसते हैं। पत्तियाँ कमजोर और पीली पड़ जाती हैं जिससे गन्ने की जो बढ़वार होती है वो कम हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं। और उसके बाद जहाँ पे ये सकिंग करेंगे, जहाँ पे अपने मुखांगों को ये पियर्सिंग करते हैं, चुभाते हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे फंगस का अटैक हो जाता है। ठीक है, जिससे फंगस के अटैक होने से पत्तियों की निचली सतह पर जहाँ भी ये अपने मुखांगों को पियर्सिंग करते हैं, मतलब चुभाकर सेलसप पीते हैं, तो वहाँ पर क्या होंगे, जगह जगह पर काले धब्बे पड़ जाएंगे जिससे कि फसल का भारी नुकसान हो जाएगा। टोटल जो लॉस माना जाता है वो 30% नुकसान हो जाता है फसल का शुगर केन की वाइट फ्लाई से। होगा क्या, जो क्रॉप है, जो प्लांट है, उनके अंदर सुक्रोज की जो मात्रा होती है, सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है जिससे आप अगर गन्ने से बाद में गुड़ और चीनी बनाएंगे तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी नहीं होगी, प्रॉपर उतनी मिठास नहीं रहती। तो ऑल ओवर अगर अपने क्रॉप की बात करें तो उसके अंदर 30% का लॉस हो जाता है, 30% फसल की हानि हो जाती है ओवरऑल। तो ये हो गया जी डैमेज और सिम्टम के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करेंगे, टॉपिक आ जाएगा लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री के अंदर मेन वही चीजें कि मेटामॉर्फोसिस कैसा है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा जी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। पूर्ण कायांतरण है। और सेकंड जो इसके अंदर आएगा कि कंप्लीट जो पूर्ण कायांतरण है, कितनी अवस्थाएं हैं, टोटल चार हैं, फेजेस हैं, कौन कौन सी हैं, एग है, निम्फ है, प्यूपा है और एडल्ट है। तो ये चार चीजें आ जाएंगी। जैसे आप बाकी पेस्ट का पढ़ते हो तो इन चारों के बारे में आपको डिटेल पढ़नी है। चारों के बारे में आपको डिटेल पढ़ने के बाद इसका कंट्रोल करना है कि इसको आप कंट्रोल कैसे करोगे।
तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जिसको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए कि जो मैनेजमेंट है, ऑलरेडी मैंने देखो मैनेजमेंट आपको पहले समझा चुका हूँ, मैनेजमेंट इसका कि प्रबंधन कैसे करना है। उसके अंदर आप कल्चरल कंट्रोल करते हो, केमिकल कंट्रोल करते हो, नेचुरल इनेमीज वगैरह लिख के बायोलॉजिकल कंट्रोल मेंशन करते हो। उसके अंदर आप क्लोरोपायरीफॉस, मीडा क्लोरोप्रिड, एंडोसल्फान, ट्राइजोफॉस वगैरह जो आप केमिकल यूज करोगे वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद जो मेजर आपको चीजें हैं सभी पेस्ट की, जितने भी ये पेस्ट हैं उसकी मैंने आपको ये बता दी है, मेन मेन पॉइंट लिख के मैंने आपको बता दी है। किसी को कोई भी डाउट हो तो अपनी जो कल जूम के ऊपर डाउट क्लास रहेगी आप उसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।